भोलू ने मेरा चॉकलेट खा लिया। हाँ? भोलू हाँ, डक्चको डक्चको डक्चक, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ, डक्चको डक्चको डक्चक। ए, भोलू के बच्चे, तूने मेरा चॉकलेट क्यों खाया? हाँ खाया, क्या करेगी? क्या करूँगी, देखेगा? ए, 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 नीचे देख एक बार। क्रोकोडाइल्स? हाँ, ये लोग मेरे दोस्त है, अगर मुझसे पंगा लिया ना इनसे बोल के नानियां दिला दूंगा। अरे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, इस भोलू के बच्चे की तो मालिक को आने दे। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। चलो, अच्छा हुआ बारिश के वजह से ऑफिस जल्दी छुट्टी हो गई। ओबे मालिक आ रहे, बोलू को बताना पड़ेगा। अरे बोलू मालिक आ रहे। क्या? अरे नहीं। अब क्या करेगा बोलू के बच्चे? अरे हमें तो बहुत डर लग रहा है, अब हम क्या करें? मालिक अब सबको टपका देंगे तोप से। पैसा पैसा करती है। ओबे ये क्या, मेरे स्विमिंग पूल पे क्रोकोडाइल। बोलू छोड़ो, भाग जा। अबे ए, ए, तुम लोग मेरे स्विमिंग पूल पे क्या कर रहे हो? ये ले। मालिक मालिक आओ। अरे बोलू कहाँ है तू? मालिक पानी में। अबे जल्दी ऊपर आ जा, ये लोग तुझे कच्चा चबा जाएंगे। तुम सब ये लो। अरे बोलू तू अभी तक खड़ा है? आओ मालिक, आप इनको मत मारो, ये मेरे दोस्त हैं। क्या तू क्रोकोडाइल को अपना दोस्त बना लिया? हाँ मालिक। तुझे कितनी बार बोला इन पे कभी भरोसा मत करना, ये बहुत चालाक होते हैं। चल चल ऊपर चल। नहीं मालिक, मैं इनको मारने नहीं दूंगा। बोलो। नहीं मालिक। अरे इस टाइम पे कौन कॉल कर रहा है? हाँ चिंकी बोलो क्या हुआ? तुम अभी मेरे घर आ सकते हो, बहुत जरूरी बात है तुमसे। अच्छा ठीक है, मैं अब भी आ रहा हूँ। पता नहीं क्या जरूरी बात आ गई। अच्छा बोलू इस बार छोड़ देता हूँ इनको, ध्यान रखना कोई पॉटी ना करे, नहीं तो तू ही साफ करेगा। ओके मालिक, थैंक यू। चलो आगे चिंकी के गांव। अरे बोल रही चिंकी, मैं आ गया। बोलो। सुनो बंटी, आज से हमारा ब्रेकअप। क्या ब्रेकअप? क्यों? क्योंकि तुम हर दिन लोगों से लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं और वो लोग तुमसे बदला लेने के लिए हमेशा मेरे पीछे पड़ जाते हैं, इसीलिए मेरा पापा मेरा साथी किसी और जगह कराने जा रहे हैं। क्या उस बुढ़ऊ की इतनी हिम्मत, उसकी भैंस की साकीना का? क्या बोला क्या बोला? अरे नहीं, ये मैंने इसके बाप के बारे में क्या बोल दिया? बंटी तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे चिंकी सॉरी सॉरी, बोबो गलती से मुंह से निकल गया। नहीं आज तो तुझे दो थप्पड़ लगा के ही जाऊंगी। यार अब तो यहाँ से कल्टी मारना पड़ेगा। बंटी गोरिल्लास, शोरूम के चारों तरफ अच्छे से ढूंढो, वो बंटी जरूर आसपास ही है। ओके बॉस, दिख गया तो जिंदा नहीं छोड़ना, ठीक है बॉस? यार एक ही तो मुश्किल से गर्लफ्रेंड हुआ था, वो भी छोड़ के चली गई। लो फिर से किसका कॉल आ गया। जी बॉस बोलिए। अंडे जल्दी जल्दी कार शोरूम पे आ जा। ठीक है अब भी आ रहा हूँ। अरे बॉस तो बहुत गुस्से में लग रहा है, अब क्या लोचा हो गया। चलो आ गया शोरूम। ओबे यहाँ इतने सारे थारोक सुलट पुलट कैसे हो गया, बॉस किधर गए? बंटे। अरे बोलिए क्या हुआ? तेरे वजह से शोरूम का क्या हाल हो चुका है देख। क्या मेरे वजह से? हाँ तेरे वजह से। लेकिन मैंने क्या किया? वो गोरिल्लास आए थे तुझे ढूंढने और तू नहीं मिला तो शोरूम का ये हाल कर दिया। अरे सॉरी बॉस, आगे से मैं ध्यान रखूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं नहीं तुझे बहुत मौका दिया, तेरे वजह से हर बार शोरूम का नुकसान होता है, कल से तुझे काम पे आने की जरूरत नहीं। क्या? अरे साहब मुझे नौकरी से मत निकालो, मैं रास्ते पे आ जाऊंगा। नहीं अब बहुत देर हो गया, चल जा यहाँ से। अबे नहीं यार। और हाँ सुन, तेरे पास जो थार रॉक्स कार है उसको वापिस कर देना। अच्छा ठीक है। यार क्या मुसीबत है, पहले गर्लफ्रेंड छोड़ गई, अब नौकरी भी चला गया। लो फिर से मुसीबत की घंटी बज गई। भाई बचा ले मुझे। अरे चिंटू क्या हो गया तुझे? अरे हेलो हेलो, यार चिंटू तो मुसीबत में, पता नहीं क्या हो गया इसको, जल्दी जाता हूँ। चिंटू। अरे ये तो चिंटू है, अरे इसको क्या हो गया? हमारा मालिक अब जिंदा नहीं रहे। हैं? ये कैसे हो गया? वो कलवा डोन आया था, वो तुझसे बदला लेने के लिए इसे मार दिया। मुझसे बदला लेने के लिए चिंटू को मार दिया? अरे नहीं। हाँ तू जा यहाँ से, दोबारा यहाँ पर शक्ल मत दिखाना। यार पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे वजह से सब लोग मुसीबत में पड़ रहे हैं, बेचारा चिंटू उसका क्या गलती था, आज से मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ूंगा। बचाओ बचाओ। अरे इसको क्या हो गया? अरे बंटी मुझे बचा ले। अरे हुआ क्या? मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े। ओ ठीक है बाय। अरे क्या बाय? अरे रुको मुझे बचाओ। नहीं अब मैं किसी से पंगे नहीं लूंगा, नहीं बचाऊंगा किसी को, नहीं लड़ूंगा किसी के साथ। अरे ये दुख काहे खत्म नहीं होता। फिर से घंटी बज गई। हेलो इंस्पेक्टर पतलू सिंघम स्पीकिंग। अरे साहब बोलिए क्या हुआ? जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जा। ओके साहब। यार ये पुलिस अब क्यों बुला रहा है, लगता है यार जेल ही जाना पड़ेगा। चलो आ गया। जी साहब बोलिए। बंटे शहर में एक बहुत बड़ा मुसीबत आ गया। क्या मुसीबत? कोई चोर है जो महंगी महंगी कारें चुरा रहा है, उसके लोगों को तो पकड़ लिया लेकिन बुड़बक उसका बॉस हाथ नहीं लग रहा है। हमने बहुत कोशिश किया लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए, बस तू ही है जो पकड़ सकता है उसे। अरे नहीं नहीं पुलिसो,
मैं अब किसी का मदद नहीं करूंगा। मेरी मदद करने के कारण बहुत लोग मुसीबत में पड़ते हैं। मेरा दोस्त चिंटू भी टपक गया। सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर देना यार, आज का दिन तो बहुत बुरा गया। अरे छोटू, तुझे क्या हो गया, रो क्यों रहा है? वो कोई आदमी आया था, वो भोलू और लाली को उठा के लेके चला गया। क्या? अरे क्या मुसीबत है, लो अब किसका कॉल आ गया। अगर भोलू और छोटू को जिंदा देखना चाहता है तो काली पहाड़ी के पीछे 10 लाख रुपए लेके आ जा। क्या? हेलो हेलो, अरे नहीं। क्या, भोलू और लाली किडनैप हो गया? हाँ पुलिसो, प्लीज मेरी मदद करो। नहीं नहीं, याद है ना, तूने हमारी मदद नहीं किया था, अब हम तेरा मदद नहीं करेंगे। हे हे। अरे नहीं यार, अब मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? अरे हाँ, सेट्टी साहब, उनके पास तो बहुत पैसा होता है, चलो उनको बोलता हूँ। क्या 10 लाख रुपए? अबे पागल हो गया क्या? हाँ साहब, बहुत अर्जेंट है भाई। 10,000 रुपए होता तो ठीक था, सीधा 10 लाख। अरे अगर हो जाए तो देखिए ना साहब। नहीं भाई, किसी और को देख, मैं नहीं दे पाऊंगा। अच्छा ठीक है, सुनो। क्या? अगर तूने मेरे लिए एक काम किया तो मैं तुझे 10 लाख नहीं 20 लाख दूंगा। कैसा काम बोलो? आज फुरपुरी नगर में एक ट्रेन आने वाली है, उस ट्रेन के अंदर बहुत कीमती एक कार है, उस कार को तुझे चुराना है। चोरी करना है? अरे नहीं नहीं, मैं चोरी वोरी नहीं करूंगा। ठीक है तो जा, फिर भोलू और लाली को तो मरने के लिए छोड़ दे। अरे नहीं, अच्छा ठीक है, करता हूँ काम। तो ट्रेन लूटना है।